गुड मॉर्निंग क्लास 12। कुछ प्रोग्राम्स मुझे आपको बताने हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो मैंने नोट्स में आप लोगों को दिए थे। लेकिन उसको बताने से पहले आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताना होगा, ठीक है। एक तो फॉर लूप होता है कि फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग के अलग अलग पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा, इसमें स्लाइसिंग का, स्लाइसिंग का मतलब होता है टुकड़े करना, जैसे स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। तो उसी तरह से स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करने के भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, उन्हीं को फिर से रिपीट कर रहे हैं, उससे नया नहीं बता रहे हैं, ये आप लोगों की पुराने नोट्स में लिखी हुई है। जैसे हमने मान लिया एक इसे ये दिया हुआ है, ए है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसमें हम स्ट्रिंग को कैप्चर करेंगे, ठीक है, ये वेरिएबल है। अब उस ये ए हमें कोई स्ट्रिंग हम पहले से पास कर देंगे, चाहे हम कीबोर्ड के थ्रू पास करें या डायरेक्टली पास करें, ठीक है। उसको स्लाइसिंग करने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, मतलब वो वेरिएबल नेम देना होगा और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और उसका जंप कितने से वो जंप करेगा वो भी दिया जाता है। तीन होते हैं वैसे इसमें, पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद कोलन, फिर एंडिंग पॉइंट, फिर तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अगर हमें ज़रूरत है जंप स्टेटमेंट की तो देंगे, नहीं तो वो एक के बाद एक अपने आप से ऑटोमेटिकली एक के बाद एक लेता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एन होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एम होता है एंडिंग पॉइंट। ये तो ऐसे मतलब डिस्प्ले करा दिया। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा। हमने ए इज इक्वल टू हेलो, हेलो एक हमने वेरिएबल माना है जिसमें स्ट्रिंग एक स्टोर्ड है, जिसका जो हेलो नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ठीक है। फिर प्रिंट में हमने ए कराया, आप देखो यहाँ स्लाइसिंग का यूज़ करके इसको प्रिंट कराया है, ये ब्रैकेट लास्ट में नहीं क्लोज किया, तो क्लोज कर देते हैं नहीं तो गलत आएगा। इसको आप इस प्रोग्राम को आप डायरेक्ट करा सकते हो, मतलब ये तो आउटपुट है, ये उसने दिखा दें जिससे कि आपको समझ में आए, दो अलग अलग आउटपुट स्टेटमेंट, ये एरो के साथ जो लगे हुए हैं वो आपके आउटपुट स्टेटमेंट है और ये दो तीनों लाइन्स जो इनपुट है। तो ये ए इज इक्वल टू हेलो है, एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर की हमने, अब यहाँ हमने प्रिंट कराया है 0 से 5। देखो अब यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, एच की 0 होगी, फिर ई की 1 होगी, फिर एल की 2 होगी, फिर एल, फिर दूसरे वाले एल की 3 फिर 4। तो एक आगे तक इसमें हमेशा लेके चलते हैं, हमेशा इसमें एक आगे तक जाता है, तो उसमें टोटल 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल 5 होंगे। तो हम वहाँ 5 भी इंटर करेंगे क्योंकि जो एंड पॉइंट होता है वो स्ट्रिंग की लेंथ को इंटर करता है, स्ट्रिंग की लेंथ 5 है लेकिन इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से 4 तक होगी पॉजिटिव में, और नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5 तक, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि जितनी इंडेक्सिंग होगी उससे एक ज़्यादा वाला एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को ले लेता है अपने आप से। तो यहाँ एंड पॉइंट पे हम लोग इसको डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसमें हेलो कराया, तो यहाँ पर जीरो जो है, जीरो मतलब यहाँ पहला इंडेक्स है, तो पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, टोटल 5 है, यहाँ पे 5 करेक्टर, लेकिन दो लास्ट में 2 लिखा हुआ है, 0 फिर 5 फिर 2। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा एंडिंग पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया हमारा जंप स्टेटमेंट। तो जंप में ये 2-2 का जंप करेगा, ये पहले वाले इसके बाद सीधी तीसरे वाले पे जाएगा, तीसरे वाले के बाद सीधे पांचवें पे जाएगा। तो यहाँ देखो जो आउटपुट आया है वो है एच एल ओ, एच है हमारा पहला इंडेक्स 0 वाला, फिर पहले के बाद तीसरे पे जाएगा, मतलब पहले वाले एल पे जाएगा, उसके बाद लास्ट में सीधे ओ पे जाएगा, 5 नंबर 5 पे जाएगा। तो यहाँ 2-2 का जंप कर रहा है। फिर उसी स्टेटमेंट को हमने 3-3 से जंप कराया, तो ये 0 से लेके 5 तक जाएगा लेकिन जंप 3 का करेगा, इसीलिए इसमें 2 ही आ रहे हैं। पहले तो ये पहला वाला प्रिंट करा देगा, उसके बाद 3 का जंप करेगा तो ये दूसरे वाले एल पे जाएगा, उसके बाद जब 3 का जंप करेगा तो उससे बड़ी स्ट्रिंग है ही नहीं, तो मतलब तीसरे का जंप मतलब 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, तो यहाँ 6 है ही नहीं, तो उसके आगे वो प्रिंट ही नहीं करेगा। तो ये लास्ट में जो होता है, जो दूसरे कोलन के बाद जो है वो जंप स्टेटमेंट होता है, उसके थ्रू हम लोग इसको जंप करा सकते हैं किस तरीके से वो काम कर रहा है। देखो इसको ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रिंट, उसके बाद लिखा हुआ है स्पेस है, फिर कोलन है, फिर 5 है। तो ये अगर हम ऐसे भी देना चाहें, हम खाली स्पेस दे दें उसके बाद 5 दे दें, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से स्टार्टिंग पॉइंट वो 0 को ही लेगा, 0 जो इंडेक्स होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अगर हम सिर्फ स्पेस दे दें उसके अंदर कोई वैल्यू ना डालें। और उसी तरह से जो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ प्रिंट ए से ए है, उसके बाद 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ और एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो अगर हम एंड पॉइंट नहीं देंगे तो भी वो लास्ट इंडेक्स को अपने आप से ले लेगा, लास्ट इंडेक्स मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को ही ले लेगा वो वहाँ पे। तो यहाँ हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दें तो भी वो अपने आप से 0 को लेगा, अगर हम एंड पॉइंट नहीं दें तो भी वो लास्ट इंडेक्स को अपने आप से ले लेगा। और थर्ड स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पर हमने दोनों ही चीज़ देना, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना एंडिंग पॉइंट दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट भी ना दें एंडिंग पॉइंट बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 ले लेगा और ऑटोमेटिकली एंडिंग पॉइंट पे लास्ट इंडेक्स को ले लेगा। तो ये कुछ इसके फीचर होते हैं कि अगर हम नहीं भी डिफाइन करेंगे तो भी वो अपने आप से ले लेगा, अगर हमने स्टार्ट पॉइंट नहीं डिफाइन किया तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, एंड पॉइंट नहीं डिफाइन किया तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की लेंथ ले लेगा।
और जंप स्टेटमेंट तो डिफाइन करना पड़ता है, जंप स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ता है। अभी आपको रिवर्स वाला रिवर्स करके दिखाएंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, तो उसमें उसमें दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो कर रहा है। तो उसमें देना पड़ता है जब स्ट्रिंग को रिवर्स, एक पैलिंड्रोम राइट एक प्रोग्राम करवाएंगे तो वो उसके वो इस क्लास में नहीं बताएंगे, वो उसी में बताएंगे जब हम वीडियो के थ्रू बताएंगे मोबाइल में, तो उसमें बता देंगे किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग में ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं भी डिफाइन किया है तो लेंथ के हिसाब से वो स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो, एंड पॉइंट के हिसाब से लेंथ की जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है उसको ले लेता है। ठीक है, तो अगर हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है और उसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है तो उसके इंडेक्स के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसे ले लेगा। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, मैंने आप लोगों को उस क्लास में भी बताए थे और यहाँ पे भी बता देते हैं और नोट्स में भी आगे आएंगे। तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस का भी जानना आपको ज़रूरी है, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो उसको हम वैसे लिख देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा फंक्शन किस पार्ट में, क्योंकि जल्दी होगी इसको मैं हम बहुत टाइम नहीं दे सकते, ये मंथ एंड होने वाला है और अभी ये चैप्टर एंड नहीं हुआ है, तो जो होता है अगला हफ्ता और ये चैप्टर ले ले, क्योंकि इसमें तीन टॉपिक अभी बड़े बचे हुए हैं, तो उनको हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है जिससे कि हम उसको मेन जो हमारी पाइथन है वो स्टार्ट कर सकें। देखो, इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दें, मैंने बताया भी था, खैर याद नहीं होगा, बहुत दिन हो गए, और जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें भी कुछ फंक्शंस लिखे हैं और भी लिखे हैं तो उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले पुराने वाले एक्सप्लेन करते हैं। एक फंक्शन होता है कैपिटलाइज, देखो यहाँ सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखो, यहाँ लिखा हुआ ए इज इक्वल टू हेलो, हेलो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, मतलब ए हेलो जो है एक स्ट्रिंग है। फिर एक कैपिटलाइज नाम का फंक्शन ए डॉट कैपिटलाइज करेंगे, तब ए डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा तो उसमें जो भी अल्फ़ाबेट हैं, जो भी पहला जो वर्ड्स हैं उनके पहले अल्फ़ाबेट को हेलो उसको वो कैपिटल लेटर में कर देगा। अगर लिखा होता आई लव माई इंडिया, सारे के सारे अल्फ़ाबेट अगर मान लो आई लव माई इंडिया में तीनों आई फिर स्पेस लव फिर इंडिया इस तरह से होता तो उसमें सारे अल्फ़ाबेट मान लो स्मॉल लेटर में दिए होते तो कैपिटलाइज का यूज़ करते तो आई जो था वो भी कैपिटल बन जाता, लव का एल भी कैपिटल बन जाता और इंडिया का आई भी कैपिटल बन जाता। मतलब ये अगर कोई बड़ी स्ट्रिंग है तो उसके सारे पहले जो वर्ड्स हैं उनके पहले अल्फ़ाबेट को ये कैपिटल कर देता है, यही इसका यूज़ होता है, बाकी को नहीं करेगा। फिर आता है इज एलनम का मतलब होता है, देखो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक एक वर्ड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, और नंबर भी हो सकता है सिर्फ अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक एक टाइप का डेटा टाइप होता है, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक डिफाइन करते वैसे तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, अगर कहीं आगे आएगा तो बताएंगे। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में वो सारी चीज़ें लेता है, तो ये इसमें आउटपुट ट्रू और फॉल्स में होता है। जैसे लिखा हुआ बी इज इक्वल टू हेलो 1 2 3, इसमें अल्फ़ाबेट भी है नंबर भी है, तो बी डॉट ए एलनम करेंगे तो ये आएगा ट्रू कि हाँ ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। लेकिन अगर इसी में लिखा हो बी इज इक्वल टू हेलो तो भी ट्रू आएगा, और लिखा हो बी इज इक्वल टू 1 2 3 तो भी ट्रू आएगा, मतलब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक ही है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट कैरेक्टर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट दिए हों और सिर्फ कैरेक्टर दिए हों तो उसको भी वो ले लेता है। तो यह ट्रू, उसमें मैक्सिमम ऐसे फंक्शंस हैं जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। फिर बीच वाले में देखो, यहाँ सी हमने माना एक वेरिएबल सी इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ गलत हो गया, यहाँ सी लिखना था, यहाँ पर ये सी सी इज फाइंड एक तरह का फंक्शन है। फाइंड में क्या होता है कि हमें कोई नाम ही से पता चल रहा है कि कोई वर्ड फाइंड करना है, कि कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है बड़ी सी उसमें एक वर्ड फाइंड आउट करना है कि वो है या नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ सी एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ आई लव पाइथन, इसमें हमको लव मान लो वर्ड फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ नहीं होगा सी डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर वो जो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है उसको हम टाइप कर देंगे और जैसे ही इसको रन कराएंगे तो जिस नंबर जो इसकी नंबरिंग होगी वर्ड्स के हिसाब से वो पहले पहली पहला वर्ड पहला जो वर्ड है वो आई है, दूसरा वर्ड है लव है, तीसरा वर्ड है पाइथन है, तो ये अपने आप से टू दे देगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ कर दें कि हम यहाँ पर इंडिया कर दें, अगर हम यहाँ पर इंडिया कर दें, यहाँ पर इंडिया से है ही नहीं, यहाँ पर हमने किसी वाली स्ट्रिंग में इंडिया कर दिया, इंडिया वो वर्ड जो है वो इसमें है नहीं, ऐसे केस में उसको फाइंड आउट नहीं कर रहा है किस नंबर पे है, तो उसकी जो आउटपुट आएगा वो माइनस वन आएगा। अगर वो स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड नहीं है तो आउटपुट माइनस वन ही आएगा, और वर्ड है तो फिर वो जिस नंबरिंग पे है उस नंबरिंग पे उसको वो डिस्प्ले करा देगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका एक
फीचर होता है, ठीक है, इसका फाइंड दिस स्टेटमेंट का। इसके बाद आता है राइट हैंड साइड में, देखो ये जो ब्लॉक में है इसको बाद में बताएंगे, राइट हैंड साइड पे इज लोअर। इज लोअर में क्या होता है कि अगर जो भी आपका हमने एक स्ट्रिंग मानी है ए इज इक्वल टू हेलो, हेलो का जो एच है वो कैपिटल लेटर है। इज लोअर का मतलब है कि जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस है स्ट्रिंग के, जो भी स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टोर किया है, अगर उसमें एक भी अल्फाबेट कैपिटल है तो आंसर आएगा फ्लू। ए डॉट इज लोअर किया है तो उसमें आंसर फॉल्स आ रहा है, सॉरी फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें एच जो है वो हमारा कैपिटल लेटर में। और फिर देखो बी, हम बी में माना है हमने एस डी कॉलेज, ठीक है, बी में हमने एस डी कॉलेज माना है, यहाँ पर डबल कोट्स छूट गया है। तो एस डी कॉलेज में क्या है कि एस डी कॉलेज के सारे अल्फाबेट मैंने स्मॉल में माने हैं, तो स्मॉल में माने हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम बी डॉट इज लोअर कर रहे हैं तो वैसे ही वो आंसर दे रहा है ट्रू, मतलब इसमें सारे अल्फाबेट हमारे स्मॉल लेटर्स में हैं, अगर एक भी अल्फाबेट कैपिटल में होगा तो फॉल्स देगा। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट और भी हैं, और भी मैंने आपको दिए हैं नोट्स में, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे अगले वीडियो के थ्रू, तो उसके थ्रू ये आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट टाइप का आता है, इसी तरह अपर भी आता है, इज अपर भी होता है, लोअर लोअर के लिए लोअर यूज़ करते हैं, अपर के लिए अपर और लोअर के लिए भी अलग से आता है, जैसे इज वाला तो ये अलग है, एक अपर और लोअर के लिए भी अलग से आता है, उसको भी अभी बता देते हैं कि उसमें क्या होता है कि जैसे ए इज इक्वल टू हमने तो अच्छा इसके बाद बताते हैं, इस स्पेस के बाद बताते हैं उसमें क्या होता है, या इसको एक मिनट इसको यहीं पर रोक के, जैसे इज लोअर होता है वैसे इज अपर भी होता है। इज अपर में क्या होता है, अभी मैंने इस पर लिखा नहीं है, इज अपर में क्या होता है कि अगर हम मान लो लेते हैं ए इज इक्वल टू हेलो, उस हेलो के अंदर सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे हैं क्या कहते हैं कैपिटल लेटर, तो जब हम ए डॉट इज अपर करेंगे तो वो आएगा ट्रू। लेकिन अगर हमने हेलो ले लिया है, मान लो हमने जब बी यहाँ बीच वाले में देखो लिखा है बी इज इक्वल टू हेलो स्मॉल लेटर, इसको हम बी डॉट इज अपर करेंगे तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि उसमें भी एक भी अल्फ़ाबेट हमारा स्मॉल कैपिटल लेटर में नहीं है। दूसरी चीज़, अपर लोअर अलग से भी होते हैं, ये मैंने जो बीच वाला बताया है रब करके, ये अपर लोअर के लिए बताया है। अगर हमको स्ट्रिंग को अपर से लोअर में और लोअर से अपर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ हमने एक ए वेरिएबल माना है जिसमें हेलो स्टोर किया है, जिसमें हेलो का एच जो है कैपिटल लेटर से है, बाकी स्मॉल लेटर से। फिर बी दूसरी स्ट्रिंग मानी है जिसमें हेलो स्टोर किया है, इसमें एच, इसमें सारे अल्फ़ाबेट हमारे स्मॉल लेटर से। जब हम ए डॉट अपर करते हैं तो क्या होता है कि जो एच पहले कैपिटल से था वो तो कैपिटल से रहेगा ही, साथ में बाकी जितने स्मॉल के थे वो भी सारे कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। और सेम चीज़ वैसे ही हम बी के साथ करते हैं तो बी डॉट अपर करते हैं तो यहाँ तो सारे के सारे स्मॉल में हैं, तो ये सारे के सारे हमारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम चीज़ लोअर के साथ होती है, नाम से पता चल रहा है उसका ठीक उल्टा होगा। जैसे हमने ए डॉट लोअर किया तो हेलो जो पहला वाला हेलो जो है ए डॉट हेलो जो ए इज इक्वल टू हेलो है जहाँ पर एच कैपिटल है, तो उसके सारे अल्फ़ाबेट हमारे स्मॉल लेटर में हो गए, एच जो कैपिटल था वो तो भी स्मॉल में हो गया और पहले से जो स्मॉल लेटर में थे वो तो स्मॉल लेटर में हैं ही। सेम चीज़ बी के साथ भी है, सेम बी में सारे के सारे अल्फ़ाबेट हमारे स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर ही आएगा, कैपिटल और कैपिटल लेटर है तो भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो लोअर और अपर का यूज़ यही होता है कि इस लोअर इस अपर अलग तरीके से हैं, वो ये बता वो ट्रू और फॉल्स में जवाब देते हैं, और लोअर अपर जो ये वाले लोअर नॉर्मल लोअर अपर हैं ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लोअर या अपर जिसमें भी हम उसे कन्वर्ट करना चाहें उसमें वो उसे हमें कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट आता है इसमें इज स्पेस, इज स्पेस ये सब जितने हैं बताएं सारे, ये वाइट स्पेस को मेज़र करता है। जैसे यहाँ पर ए इज इक्वल टू हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी है, बी में तो कुछ भी नहीं है, बी में तो खाली है, खाली डबल कोट्स लगे हैं, कोई स्पेस भी नहीं है, तो जैसे ए डॉट इज स्पेस करेंगे तो वहाँ पर ट्रू आएगा क्योंकि इसमें स्पेस क्रिएटेड है, और बी डॉट इज स्पेस करेंगे तो फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो ये स्पेस को चेक करने के लिए, टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग कंटेंस अ ओनली वाइट स्पेस इज नॉट, अगर कोई वाइट स्पेस उसमें है कंटेंट, सिर्फ वाइट स्पेस को कंटेंट करने के लिए होगा ये, बाकी के लिए नहीं होगा। अगर सिर्फ वाइट स्पेस की बात करेंगे तो तब के लिए काम देगा, अदरवाइज ये काम नहीं देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के इसके फंक्शन होते हैं, और भी होते हैं, उनको वीडियो के थ्रू नहीं, वो जो मोबाइल पे जो वीडियो बनाते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू उसके थ्रू बता देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बताएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग ये हो जाएगा। अब इसमें टपल डिक्शनरी और लिस्ट भी बाकी है, तो वो उसके लिए भी कम से कम दो वीडियो लगेंगे, तो हो सकता है अगले हफ्ते तक ये कंप्लीट हो जाए, जैसे अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर ही लेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता जा रहा है इतना ज़्यादा। इसमें जो भी क्वेश्चंस भी हैं जो आएंगे तो वो भी डिफिकल्ट टेबल के आएंगे, तो मेन जो दो नोट्स दिए हैं उस पर जो प्रोग्रामिंग है उनको एक्सप्लेन भी करना है, तो वो तो खैर मोबाइल के थ्रू डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उसके लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत नहीं भी है, वो डायरेक्टली मोबाइल पर रन करा कर उसको कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ इसमें जैसे एक इसका इसका एक मेन प्रोग्राम आपका आएगा स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला, एक होती है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर मैंने आप लोगों को बताया था जो उल्टे सीधे एक समान होते हैं, जैसे 1 1 3 3 1, उसी तरह से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है। तो उसको रन कराने का उसका भी एक प्रोग्राम बताएंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू बताएंगे, वो ईजी सा ही है, उसमें कुछ नहीं होता है। या स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, तो उसमें भी हमारी स्लाइसिंग की ज़रूरत होगी। अब स्लाइसिंग का यूज़ काफ़ी जगह पे होगा, एक लेंथ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइसिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के फंक्शन तो उतने थोड़े से नहीं भी हैं, तो जहाँ पे जो ज़्यादा पूछे जाएंगे उनको ही आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, तो उससे हो जाएगा काम। लेकिन ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पर थोड़ा सा जोर देना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी, और जो मैक्सिमम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू हो। लेकिन वीडियोस आप लोग देखें, अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे जितने दिन बीतते जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही मत समझना कि ये क्लास टेंथ वाली कंप्यूटर है कि 2 महीना पढ़ के काम चल जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो अब आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम कोर्स कंप्लीट कराना, वो तो वीडियो भेज भेज के कंप्लीट कराते रहेंगे, और स्कूल खुल गया तब तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसे सीरियसली नहीं लोगे, तो उसमें पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए।